आगर मालवा में ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते तहसील सुसनेर के अंतर्गत आने वाले गांव पायली में 3 अगस्त को मृत महिला गंगाबाई का अंतिम संस्कार परिजनों ने पायली से 3 किलोमीटर दूर शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाकर गांव मोड़ी के शमशान घाट में किया। महिला का मोड़ी शमशान में दाह संस्कार करने का एकमात्र कारण गांव में शमशान न होना है। मृतक महिला के पुत्र गोकुल सिंह भिलाला ने बताया कि गांव पायली में गांव से 3 किलोमीटर दूर त्रिवेणी संगम नदी किनारे शमशान बनाया है, जो बरसात के मौसम में नदी के अंदर पानी होने से डूबा रहता है। एक पुराना शमशान गांव में ही है, पर शमशान भूमि पर दबंगों का कब्जा होने से मजबूरन हमें त्रिवेणी संगम पर दाह संस्कार करना पड़ता है। कुछ गांव वालों ने अनेक बार प्रशासन से गांव में शमशान बनाने की मांग की, परंतु आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करने में ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि गत वर्ष बंशीलाल पाटीदार मीसाबंदी के निधन पर तत्कालीन सुसनेर एसडीएम मनीष जैन को ग्रामीणों द्वारा इस समस्या से अवगत कराया गया था, जिस पर एसडीएम ने ग्राम पंचायत को गांव में ही शासकीय भूमि पर शमशान निर्माण करवाने हेतु डीपीआर बनाने के निर्देश दिए थे, परंतु एसडीएम जैन के स्थानांतरण हो जाने के बाद मामला आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हमारे गांव में व्यवस्था है, जहाँ शमशान की कोई कमी है। पहले मान के शासन में मान के तो कोई अभी तक कोई वही नहीं हुआ। और ये सभी के साथ ये समस्या होती है कि सभी गांव वाले के साथ ये व्यवस्था होती है। वहाँ का हुआ है, बहुत दिन से चल रही है। पहले भी पिछले साल भी एक जहाज की लड़की शांत हो गई थी, तो उनके लिए भी मोड़ी से मोड़ी के लिए लाने की संभव थी, लेकिन फिर गाँव वाले ने मना कर दी कि हम चलाएंगे। पहले मांग की आपने शमशान की, लेकिन मांग हुआ। फिर क्या हुआ? बन गया था, लेकिन फिर वो चद्दर उधर लेके निकाल के क्या क्या अतिक्रमण की समस्या है गांव में शमशान। आपके यहाँ जनप्रतिनिधि है जनपद से, उनसे आपने बोला? तो सर गांव वाले बोले, सबने बोली उनको, तो उनका क्या जवाब? उन्होंने आगे चद्दर कसावड़े उन्होंने वही जला उड़ी।